वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको हल्दी के बहुत सारे फायदों के बारे में बताऊंगी। हल्दी हमें कैंसर से बचाती है उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, हल्दी एक बहुत आम सा मसाला है, इसकी एक अलग तरह की पहचान है। हमारे भारत देश में ये घर घर में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुख्य और उपयोगी है। हल्दी को लेने के बहुत तरीके हैं। इसे आप खाने में मिलाकर सलाद, शेक, सूप और कैप्सूल के रूप में भी इसे खा सकते हैं। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक भी होता है। ये स्वाद के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी होती है और बहुत से रोग भी इससे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, कैंसर की बीमारी को रोकती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर के विपरीत काम करने लगती हैं। हल्दी का सेवन करने से कैंसर को बढ़ने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और हल्दी इन्हें बढ़ने से भी रोकती है। खाली पेट हल्दी खाने से शरीर के अंदर सारे विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और कैंसर के होने का चांस भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गठिए रोग से भी आराम देती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करती है, जो शरीर की दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित करती है। रोज हल्दी खाने से गठिया का दर्द बहुत जल्द इसे आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल कम करती है। हल्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत हद तक कम हो जाती है। शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अन्य बहुत सी बीमारियां भी पीछे पीछे आ जाती हैं। हल्दी से हम इससे बच सकते हैं। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल तत्व शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू से ये हमें बचा के रखती है। इसके लिए एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी डालकर पिएं। डॉक्टर भी इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं। ठंड के दिनों में इसे रोज रात को सोने से पहले ज़रूर पीना चाहिए। इससे आप इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। डायबिटीज़ की अगर बात करें दोस्तों, हल्दी डायबिटीज़ वालों के लिए फायदेमंद है। इसे शरीर के ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में रहती है। हल्दी की कैप्सूल भी आती है जिससे डॉक्टर इसे खाने की सलाह भी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी जो है, हल्दी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जिससे शरीर के ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में रहती है। और हल्दी से हमारे पर भी कटे हुए पर हल्दी लगाने से खून बंद हो जाता है और घाव जल्दी भर जाता है। स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को भी हल्दी दूर करती है। इसके अलावा वजन कम करने में हल्दी बहुत ही पावरफुल होती है। हल्दी में मौजूद तत्व शरीर में फैट कम करते हैं। वजन कम करने के चाह रखने वाले लोगों के लिए एक चम्मच हल्दी अपने खाने में शामिल करनी जरूर चाहिए। इससे आपका वजन कम होता है। हल्दी खाने से खून साफ होता है। इससे पेट के सारे विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। हल्दी सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही गुणकारी होती है। इसे लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, चेहरा खिल उठता है। हल्दी को बेसन दूध के साथ मिलाकर लगाने से बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर के अनचाहे बाल हटाती है। शरीर में मौजूद अनचाहे बालों को दूर करने के लिए हल्दी बहुत मददगार होती है। हल्दी में नारियल तेल मिलाकर गर्म करें। अब इसे जहां अनचाहे बाल हैं वहां लगाइए। कुछ दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। तो हल्दी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। धूप से होने वाले टैनिंग को कम करती है हल्दी। हल्दी को दूध में मिलाकर लगाएं। टैनिंग हटेगी और स्किन भी साफ होगी आपकी। स्किन में निखार आएगा। दांत दर्द को ठीक करने के लिए हल्दी लाभकारी होती है। हल्दी में सरसों तेल और नमक मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लगाइए। बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, ये थे बहुत ही अच्छे टिप्स जो हल्दी के
हल्दी से हमें मिल सकते हैं, हमारी स्किन और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है नहीं क्लिक किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। तो दोस्तों मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी।